उसमें आप दिन क्या कर लेगा? कुछ कुछ नहीं कर पाएगा, कर पाएगा नहीं। लेकिन वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े लोगों का पोल खोल देते हैं, हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? यही लोग तो साधु के नाम पर लोग वो हो गए हैं, वो हो गए हैं लोग, बदनाम। देखिए जैसे आसाराम बाबा हुए, उनके पकड़े हुए 10-15 लोग कहने लगे कि ये बाबा जा रहा है, आसाराम आसाराम। अच्छा, हाँ ऐसे कहते थे। हाँ हाँ, फिर राम रहीम हुए। हाँ वो एक। अच्छा, आप भी जानते हैं इन लोगों को? ला, लोग यहाँ देखो, भारत संस्कृति अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ऋषि महर्षि के वजह से चलता था, ऐसा मानना है। शायद वेद पुराण बताता है कि रामायण बताता है कि गीता बताता है, आप सभी लोग भिज्ञ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज मैं पहुंच चुका हूं किसी कुटिया पे। आजकल बाबाओं की चर्चा बहुत काफ़ी है, आप देख सकते हैं इनका रहन सहन क्या है, कैसे है, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी इधर आ जाइए, आप इधर अगर देखेंगे तो बेचारे जीवन में, लोग कहते हैं ना कि सन्यासी लाइफ बड़ा ओझल लाइफ होता है, देख सकते हैं बेचारे बन से एक एक अगर देखा जाए तो कण बीन के लेके आके और अपना भोजन उसी पे बनाते हैं। और हमारे बीच में है महाराज जी, प्रणाम स्वीकार करें। कैसे हैं आप? बस प्रभु की कृपा से चल रहा है। महाराज जी कब से मतलब सन्यासी रूप में आए, साधु कब से बने आप? ये तो 22 साल हो गया। 22 साल हो गया, 22 साल एक जीवन देखे अगर देखा जाए तो 22 साल बड़ा अद्भुत जिंदगी रहा होगा, बड़ा कठिन रहा होगा। अगर देखा जाए तो आज के डेट में बाबा लोग की लाइफ बड़ा ओझल है कि नहीं? हाँ, तो जैसे आजकल बाबाओं को लग्जरी लाइफ चाहिए, आप ही झोपड़ी में जी रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि मुझे भी गाड़ी मिलता, सोफा मिलता, ये सब? अब हमारे श्री प्रभु के सिवा और कुछ नहीं दिखता है कि हम सुखी रहें, हम प्रभु के चरणों में बस। हाँ, और कुछ नहीं। शादी वादी किए थे कि नहीं? किए थे शादी, किए हाँ, सभी लोग हैं। हम बस मंदिर बनवा रहे हैं भगवान का, बस ये सोच रहे हैं कि हमारा भी उनके साथ नाम हो। कुछ बाबा लोग हैं इस कदर बाबा लोग हैं, हम अपने जन्म भूमि पर हैं। अच्छा, ये गांव में जन्म भूमि है हमारी। अच्छा है। सभी लोग जानते हैं हमें। अभी एक काल मिलेंगे 50 लोग जुट जाएंगे एक मिनट के अंदर। हाँ, अरे बाप रे बाप। अच्छा, उनको क्या कहना चाहेंगे जो क्या होता है कि लग्जरी कार से चलते हैं, उनको गार्ड चाहिए, उनको क्या होता है कि सोफा चाहिए, उन बाबाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन बाबाओं का क्या संदेश दें, हम तो यही कहते हैं कि उनको लक्ष्मी उनके चरणों में चूम रही हैं। अरे लक्ष्मी चरणों में कैसे आ सकती है? देखिए बुरा मत मानिएगा, नहीं नहीं, पढ़ लिख कर आदमी बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, भगवान नहीं 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 नहीं, भगवान नहीं बन सकता, भगवान मान ले, भगवान तो मानते ही है, तब ना इसे कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ना। हाँ, अब ये धीरेन्द्र मात्र 26 वर्ष के है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका नाम है, मात्र 26 वर्ष में क्या कर लेगा आदमी, आप बता दीजिए। नहीं नहीं, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। आप 22 वर्ष बता रहे हैं कि तपस्या किया हूँ। अच्छा, 26 वर्ष में आप क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कर पाएगा नहीं। लेकिन वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े लोगों का पोल खोल देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? यही लोग तो साधु के नाम पर लोग वो हो गए हैं। क्या वो हो गए हैं लोग, बदनाम। देखिए जैसे आसाराम बाबा हुए, उनके पकड़े हुए 10-15 दिन हुआ था, तो हमको भी आसाराम बाबा लोग कहने लगे कि ये बाबा जा रहा है, आसाराम आसाराम। अच्छा, ऐसे कहते थे। हाँ, फिर राम रहीम हुए। ओ एक। अच्छा, आप भी जानते हैं इन लोगों को? ला, लोग यहाँ दिखाते हैं उनकी मोबाइल में। हाँ, आप भी मोबाइल देखते हैं? नहीं, वही देखता हूँ जो लोग। तो आज बहुत काफी क्या होता है कि बाबा आते हैं, 26 वर्ष के बाबा है, और कह देते हैं कि क्या होता है कि मैं पुल खोल दूंगा, बागेश्वर वाले बाबा, धीरेन्द्र बाबा 26 वर्ष की उम्र में आज आपके पुल खोल देंगे। हाँ, खोल देंगे तो कितना सत्यता है? सत्यता ऐसा है, वो तो वही जानेंगे ना उस समय, जैसे बाबा। आप तो देखिए बाल भी रखे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा अपना वो थोड़ा सा जटा को देख जाए, देख लीजिए, जटा भी नहीं है, सफा एकदम सफा शर्ट है, मतलब ये चीज है, दिखाइए। अगर बाबा अगर गलती मैं करूंगा तो नहीं 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 कि आपका मैं आप क्या गलती कर रहे हैं? कुछ नहीं, आगे थोड़ा सा कर दीजिए, आप देख लीजिए ये इनकी जटाएं हैं, और जटा इस कदर है कि पूरा एकदम घुघरा घुघरा हो गया है, आप देख सकते हैं इनकी जटा है, और जटा बहुत काफी, इससे नहीं ये लगता है कि
यार कुछ नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दिन भर बदल आता है और जब सोएंगे तो इनको खोल करके पहले इनको स्थान पर रखेंगे। अच्छा, तब सोएंगे हम। तो अब लोग कहते थे कि जिसका जटा होता है, जिसकी दाढ़ी होती है, वही बाबा होता है, वो तपस्या करता है। देखिए, तपस्या करते करते इनकी जटाएं और दाढ़ी सब पक गई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अच्छा क्लीन है, बढ़िया से झाड़े हो रहे हुए हैं, फिर भी बाबा है, उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, उनकी शिकायत हमारी शिकायत है। अरे नहीं, ठीक है, उनकी शिकायत हमारी शिकायत है। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज में तो वही जो लोग कर रहे हैं ना, वही सभी लोग मानते हैं। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं कि इस तरह से। हाँ, तो आप भी झाड़ फूक करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं करते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं, भगवान श्री राम का पूजा है। आप नहीं भविष्य बताते हैं? नहीं, कुछ नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं। अरे, हम अपने जन्म भूमि पर हैं। कोई आता है तो उसको ये भभूत झाड़ कर दे देता हूँ, बस जाओ ठीक हो जाओ या न ठीक हो खो। हाँ, उनको याद करो, उनको याद करो, मतलब सब कुछ दुनिया उनपे है। हाँ है ना, बस, और हम कुछ नहीं जानते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे बाबा, आप देख लीजिए, लग्जरी जिंदगी नहीं है, फिर भी शौक ये नहीं लगता है कि मैं भी काश लग्जरी कार में चलता है? नहीं नहीं, हमको नहीं लगता है, हमको बस यही है कि प्रभु से दर्शन हो जाए, बस भगवान को यहाँ लिया करके स्थापना कर दे। एक दिन मैं पूजा कर लूँ भगवान का तो हम तर जाएंगे, मैं सोचते हैं। देखिए, काम शुरू है मंदिर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आज हमारे बीच में थे, और आज के बाबाओं के देख लीजिए हालत क्या। और ये आज 26 वर्ष, उम्र क्या हो गई होगी आपकी? वही 70 के लगभग। 70 वर्ष के बाबा हो गए, लेकिन अब तक के चमत्कार नहीं कर पाए ना? नहीं नहीं, मैं नहीं वो नहीं। मैं वो नहीं, चमत्कारी बाबा नहीं है। ना ना ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो अपने जन्मभूमि पे, बच्चे बच्चे हमको जानते हैं, बच्चे बच्चे। अगर ऐसा जिंदगी मिलता है तो आप लेंगे कि नहीं? नहीं नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वैसे जिंदगी हमको जीने से क्या फायदा है, जिसमें कि मेरी इज्जत न रहे। अच्छा, वो जिंदगी क्यों लोगी जिसमें मेरी इज्जत न हो? सही कहा, ये इसमें इज्जत है बस, हमको वही। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। हर जगह बाबा लोग मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बाबा ऐसे हैं कि बाबाओं की तवहीन कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जय जयकार करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी बाबा को चाहे किसी, लेकिन हाँ, भगवान का इनका सीधा काम है भगवान का दर्शन कराना और भगवान में लीन हो जाना। क्या बाबा जी, ना लग्जरी लाइफ जीने का शौक है, ना लग्जरी कार से चलने का शौक है, ना गाज रखने का शौक है, ऐसे लोग हैं। मुझे आज प्रभु से मिलने की इच्छा है, मैं वही जानता हूँ, राम नाम और कुछ नहीं। बस चलिए, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम बाबा।